अखबार और हमारे घर जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जो सुधीर जी कासीवाल साहब हैं, जैन सिनेमा के प्रोपराइटर हैं। इनके जो पिताश्री थे लक्ष्मीचंद जी कासीवाल साहब, उन्होंने इस पिक्चर हॉल की स्थापना की थी। और मुझे आज इस पिक्चर हॉल के बारे में, वैसे तो मैं इसमें पिक्चर देखता था, जानने का मौका मिला। मैं चाहूँगा कि श्री कासीवाल साहब खुद अपने मुखारविंद से दर्शकों को सिनेमा घर के बारे में और अपने अनुभवों के बारे में, अपने पिताश्री के परिचय के साथ हमारे चैनल के माध्यम से बता सकें। देखिए, ये जैन सिनेमा मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री लक्ष्मी कुमार जी कासीवाल ने 1964 में निर्माण कराया। इसका 1964 में तो ये चालू हो गया था, निर्माण कार्य तो शुरू हुआ था सन 1959-60 में। और सबसे खूबी की बात यह है कि उस ज़माने में 70 mm प्रोजेक्शन वाला सिनेमा हॉल, इतना बड़ी 1150 की कैपेसिटी वाला हॉल हिंदुस्तान में गिने चुने होंगे। और 70 mm का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये दूसरे नंबर का हॉल था। राजस्थान का तो प्रथम था ही, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का हॉल था, जिसमें कि इतनी आधुनिक 4-track स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम लगाया गया। और आपने जैसा देखा होगा कि ये 60 साल पुरानी इमारत, जो कि 13 साल बंद रही, आज जब आपने देखा तो आप ये कह नहीं सकते कि ये 60 साल पुरानी इमारत है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी आगे की सोच थी हमारे पिताजी की, कि वो कहा करते थे कि कोई भी चीज़ क्रिएट करो, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि सहगल के गाने याद करो जो अमर हैं, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, ना कि मॉडर्न बप्पी लहरी टाइप के गाने जो आए और चले गए। तो ऐसी चीज़ का निर्माण होना चाहिए जो सहगल के गानों की तरह अमर है। ये मुझे उनका कथन आज तक याद है। कोई ऐसी बात दर्शकों को बताएं जो, और मतलब इतना तो हमने सुना, लेकिन आपने बहुत कुछ बताया, और कोई आपको ऐसी वाक्य याद आता हो, सिनेमा यहाँ खूब लगे, खूब स्टार भी आए। आज भी ये जो जिफ का यहाँ कार्यक्रम हुआ 11वां, ये भी अपने आप में एक अद्भुत हुआ। इससे मैं समझता हूँ कि एक नया लुक आ गया कार्यक्रम में। मैंने अनुरोध जी से उस दिन बात की, मैंने जैम को अपने साथ में लेने से एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई है। देखिए, जैम सिनेमा सन 2005 में जब मल्टीप्लेक्स का ज़माना आ गया और दर्शकों का अभाव रहा, सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स कम नहीं करा, जिस ज़माने में बंद किया 100% एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, 5 रुपये के टिकट पर 5 रुपये का एंटरटेनमेंट टैक्स, काफ़ी निवेदन किया सरकार से भी, लेकिन नहीं सुनी गई। तो दिख ही रहा था, हम तो सबसे पहले बंद किया, लेकिन एक एक करके आपने देखा जयपुर में प्राय सारे ही सिंगल स्क्रीन सिनेमा बंद हो गए और पूरे हिंदुस्तान से ही धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। अब सिनेमा की बात यह है कि कितने, ये जब बना था, ये जयपुर का छठवां सिनेमा हॉल था। इससे पहले 5 सिनेमा हॉल थे। जो पिक्चरें हिंदुस्तान में फ्लॉप हो जाती थी और शहरों में, ये रिकॉर्ड है कि जैम सिनेमा में वो पिक्चर सक्सेसफुल होती थी, सिनेमा की लाइट और साउंड की वजह से। एक पिक्चर मुझे अभी याद आ रही है, जहाँ आ रहा, वो पूरे हिंदुस्तान में फ्लॉप हुई थी, भारत भूषण की पिक्चर थी, जयपुर में उसने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया था, 8 हफ्ते चली। ऐसी अनेक पिक्चरें हैं जो जयपुर में जैम सिनेमा की वजह से चली और जगह फ्लॉप हुई। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहली पसंद हमेशा राज मंदिर, तो खैर बहुत बाद में आया, राज मंदिर आने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहली पसंद जैम सिनेमा होती थी, क्योंकि यहाँ का लाइट एंड साउंड का कोई मुकाबला नहीं था और ना है आज भी, मैं तो कहता हूँ। और जो सीटिंग आपने देखी, 350 की बालकनी, इतनी लंबी बालकनी जिसमें कोई पिलर नहीं है, और जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था उस ज़माने में, आज भी आप अंदर देखिए, आगे कोई विजन नहीं कटेगा, आगे किसी का सिर नहीं आएगा, ऊपर से नीचे तक 1150 जने लोग, और सीटों के बीच में जो गैप दिया गया, आराम से लोग आ जा सकते हैं। कहीं बालकनी, कहीं पिलर नहीं आ, कहीं और भी तो होगी व्यवस्था, इसी सिनेमा घर में ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं पिलर पे बनी थी सारी। ये उस ज़माने का एक मार्वल था, बड़े बड़े इंजीनियर देखने आते थे कि इन्होंने इतना बड़ा स्पेन, RCC का काम नया शुरू हुआ था उस ज़माने में, 1959-60 में।
चंडीगढ़ बन रहा था, आरसीसी से बन रहा था, हमारे पिताजी ने सब जगह दौरे लगाए। सीमेंट की शॉर्टेज होती थी बहुत, कंट्रोल से सीमेंट मिलता था, मुझे याद है बड़ी मुश्किल से सीमेंट मिलता था। तो उस ज़माने में उन्होंने ये जो बैल्कनी का जो डिज़ाइन कराया और इसके डिज़ाइन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया था श्री पी के लौरिया ने, जो आज भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन ये सिनेमा हॉल में कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ मेरे पिताजी और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन श्री पी के लौरिया इंजीनियर साहब, इन दोनों ने मिलकर पूरे सिनेमा हॉल के डिज़ाइन बनाए और निर्माण करवाया। क्या आप ये महसूस करते हैं कि मीडिया और हम जो लोग हैं दर्शक ऐसी मदद कर सकते हैं, जितना हम सरकार पे पैसे बना सकते हैं कि ये सिनेमा घर बंद हुए किसी कारण से, उनको वापस शुरुआत करने में कुछ सरकार ऐड करे या कुछ करे? मैं तो बहुत समय से टच में नहीं हूँ सिनेमाओं से, जब से बंद किया, लेकिन मैं और सिनेमा वालों से सुनता रहता हूँ। उन्होंने काफ़ी सरकार से निवेदन भी किए, कई पहलू हैं जिस पर अगर सरकार ध्यान दे दे तो मैं समझता हूँ कि सिंगल, और इसको प्रोत्साहित करना चाहिए सिंगल स्क्रीन को। इतने धीरे धीरे अभी मैंने सुना था दिल्ली का रीगल बंद हो गया जो मशहूर था, बॉम्बे का रीगल सिनेमा बंद हो रहा है, जो लैंडमार्क सिनेमा थे हिंदुस्तान के पुराने, एक एक करके सब बंद होते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये हमारी हेरिटेज है, हेरिटेज है, और इसको प्रिजर्व करना हमारा कर्तव्य भी है, और सरकार का सहयोग तो अवश्य चाहिए। नहीं, मैंने भी बात करी आपसे, भी आज बात करी, मैं आपके अनुभव व्यक्ति हैं, मैं सरकार में रहा हूँ, सचिवालय में ही रहा हूँ पहले, तो मैं यहाँ अभी तक फिल्म स्टूडियो नहीं बन पाया। तो मुझे जब मैं जैसे ही मैंने सर्विस से रिटायरमेंट लिया अभी 3-4 साल पहले, तो मैंने कहा स्मिता जयकर जी से बात की, मैंने बीच नहीं है या ये नहीं है, तो क्या फिर भी लोकेशन अच्छी है? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया लोकेशन है, यहाँ तो फिल्म स्टूडियो होना चाहिए, खूब चलेगा, अच्छा उससे पर्यटक भी बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ शायद हम नहीं, आज आज जैसा कि अपने मंत्री, आदरणीय मंत्री कल्ला साहब थे, खुद आए थे, और उनसे किसी पत्रकार ने सवाल भी किया था, और उन्होंने कहा कि इस पे सरकार जरूर ध्यान दे। तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं खुद ही, क्योंकि मैं नौकरी में रहूँ, मेरा तो ध्यान गया नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, लेकिन जैसे फ्री हुआ और मैं अध्यक्ष रहूँ सचिवालय में, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का वहाँ सर्विस की गई, लेकिन मैं बाहर था तो बाहर की प्रतिनिधि किया मैंने, तो राजस्थान सरकार में कर्मचारी। देखिए सरकार का सहयोग बिना तो कुछ भी कार्य हो नहीं सकता। नहीं, हम देखो हम करते हैं, मीडिया वाले हम संगठन से भी जुड़े हैं, तो हम करेंगे आपकी जो मुहिम है। और मैं तो तैयार हूँ वापस से शुरू करने में, मुझे तो कुछ करना ही नहीं। तो माइनस पॉइंट क्या है सिंगल स्क्रीन में? एक तो ये अभाव दर्शकों का भी था, जो वापस रुचि बढ़ रही है, और बिजली महंगी, इकोनॉमिकली वायबल बिजनेस नहीं साबित हो। मैं इसकी तकनीकी जानकारी लेके फिर मैं इससे, क्योंकि बॉम्बे में जुड़ा हूँ फिल्म इंडस्ट्री से, तो मैं उनसे बात करता हूँ। धन्यवाद।